एपिसोड की शुरुआत में वनराज और काव्या आरती करते हैं। पाखी यह देखकर दुखी है। इसके बाद डॉली और संजय आरती करते हैं। किंजल और पारितोष उनके बाद आरती करते हैं। इस तरह लीला और बाबूजी आगे आते हैं और शाह परिवार की पूजा पूरी करते हैं। वनराज आगे की रस्में करते हैं। लीला भगवान से कहती है कि वनराज को खुश रखें और वनराज को उसकी आंखों के सामने रखें। वनराज कहता है कि वह कभी भी लीला से दूर नहीं जाएगा। लीला सच पूछती है। वनराज ने दिलासा दिया। वनराज अपने कमरे में आता है। उसे टीके को सही करने की जरूरत है। अनुपमा भी कमरे में आती है। वह मीनू को बुलाती है। उसने ध्यान दिया कि मीनू ने कमरे के सामान को अस्त व्यस्त किया है। वह सामान में फेरबदल करने की कोशिश करती है। अनुपमा को ध्यान नहीं है कि वनराज भी कमरे में मौजूद है। वनराज छींकते हैं। अनुपमा उसे देखकर हैरान रह जाती है। वनराज का कहना है कि वह यहाँ कुछ काम करने आया था। अनुपमा उससे माफी मांगती है और कहती है कि यह उसकी गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया। वनराज कहते हैं कि आज अनुपमा ने जो किया वह मुश्किल था। उसने उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसने इसे केवल उसकी खुशी के लिए मनाया था। अनुपमा को याद है कि कैसे पहले अनुपमा उसके जन्मदिन पर वनराज को गुलाब दिया करती थी। वह फिर से उसे एक सफेद गुलाब देती है जो शांति का प्रतीक है। वह कहती है कि दोनों बिना किसी लड़ाई के शांति से रह सकते हैं। वनराज अनुपमा के सफेद गुलाब को स्वीकार करते हैं। इसके बाद पाखी और अन्य लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबूजी को लीला देखकर आश्चर्य होता है। उनका कहना है कि लीला आज अभिनेत्री मधुबाला की तरह दिखती हैं। लीला मुस्कुराई। वह शर्माती शरणार्थी है। वह किंजल से पूछती है कि राखी कहाँ है, घर चली गई है। किंजल कहती है कि नहीं, वह तैयार हो गई है। जब राखी आती है वह किंजल से पूछती है कि वह अच्छी लग रही है या नहीं। किंजल कहती है कि वह सुंदर दिखती है। लीला भी उसकी प्रशंसा करती है। काव्या आती है। वह वनराज के लिए केक भी लाती है। केक काव्या के हाथ से गिरने वाला है। अनुपमा इसकी देखभाल करती है। पाखी का कहना है कि जब माँ उनके आसपास होती है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि पाखी तुम सही हो। पाखी वनराज से केक काटने के लिए कहती है। समर भी वीडियो कॉल के जरिए पार्टी में शामिल होता है। वनराज ने केक काटा। वह सभी को केक का एक टुकड़ा खाने के लिए देता है। पाखी कहती है कि अनुपमा को भी केक खिलाओ। काव्या भी सहमत है, जो हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। काव्या आगे राखी को बताती है कि कैसे वे चाहती है कि वनराज को उसके परिवार से निकाल दिया जाए। एपिसोड का अंत।